सात दिनों में फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी बॉक्स ऑफिस पर हो गई फुस। सातवें दिन इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ दिया। सबसे बड़ी बात, 170 करोड़ के बजट से बनी ये फिल्म 60 करोड़ भी बॉक्स ऑफिस पर मुश्किल से क्रॉस कर पाई। ऐसे में कह सकते हैं कि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस नहीं किया है। थिएटर में लोग इस फिल्म को देखने नहीं गए हैं। हाँ, अभी OTT राइट्स, साउंड के राइट्स और दूसरी चीज़ों से कितना पैसा मिलता है वो अभी सामने नहीं आया है, लेकिन अगर बॉक्स ऑफिस की बात करें तो जितना पैसा अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा ने एक दिन में कमा लिया था वो आलिया भट्ट की गंगूबाई काठियावाड़ी ने 7 दिनों में कमाया, जिससे आप गैप समझ सकते हैं कि साउथ इंडस्ट्री किस तरीके से गंगूबाई काठियावाड़ी पर हावी हो रही थी। सबसे बड़ी बात, फिल्म पुष्पा को लेकर कोई बज़ नहीं था, हिंदी ऑडियंस के बीच तो फिल्म को प्रमोट भी नहीं किया गया। ऐसे ही वर्ड ऑफ माउथ से लोग इस फिल्म को थिएटर में देखने गए और लोगों ने इस फिल्म को प्यार दिया। वहीं बात करें गंगूबाई काठियावाड़ी की, तो इस फिल्म के लिए आलिया भट्ट ने मुंबई से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर चेन्नई हर तरफ प्रमोशन किया है और कई सारे इवेंट्स किए। करोड़ों रुपए का बजट तो सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन के लिए था, उसके बावजूद जब फिल्म को इतना खास रिस्पॉन्स नहीं मिला तो कह सकते हैं कि ज़माना जो है वो साउथ की फिल्मों का है, बॉलीवुड पर साउथ हावी है। साउथ के सामने बॉलीवुड फिल्मों का हाल ये है कि साउथ की फिल्म की एक दिन की कमाई बॉलीवुड की फिल्मों की 7 दिन की कमाई के बराबर है, तो आप समझ सकते हैं कि कॉन्टेंट कितना गिरा है। और बॉलीवुड ने पॉलिटिक्स, नेपोटिज्म, इनसाइडर आउटसाइडर के भेदभाव, ग्रुपिज्म, कैंपिज्म से खुद का कितना नुकसान किया है।